अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं टोर्टिला रैप। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, ना गूंदने की ज़रूरत है आटा और ना ही बेलने की ज़रूरत। बहुत ही जल्दी ही बन जाती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा ले लिया है और 2 कप ही हमें पानी चाहिए। 1 कप मैंने अभी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और 1 कप पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे विस्क की मदद से, ताकि लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तकरीबन 2 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, कोई लम्स नहीं बना। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। बैटर को इस तरह से होना चाहिए कि जब मैं इसको नीचे गिरा रही हूँ तो कोई शेप नहीं बन रही, बल्कि उसी में मिक्स हो जा रहा है बैटर। तो आपको इसी तरह से कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून चीनी। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी इसमें नहीं डलते, सिंपल सी ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है मैंने इसमें, और 2 टीस्पून मिल्क पाउडर, कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं आप। और यहाँ पे अब मैं ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आप रेस्ट दे दें। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ मैंने पैन गरम किया है। पैन गरम करके तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने मिक्सर लेकर पैन के ऊपर डाल दिया है और इस तरह से हल्के हाथ की मदद से मैं फैला रही हूँ। आपको जितनी बड़ी रोटी चाहिए उस हिसाब से आप फैला दें। ये देखिए, नीचे से पकना शुरू हो गई है और ऊपर से कोई गीला टेक्सचर नहीं रहा है, बल्कि एक स्मूथ टेक्सचर बन चुका है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही सॉफ्ट ये रोटी बनती है। देखिए, दोनों साइड से सिक चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। यकीन जानिए, बहुत सॉफ्ट ये रोटी बनती है। आप इतने से बैटर से बहुत सारी टोर्टिला तैयार कर सकते हैं। अब आपको बाज़ार से भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये रोटी भी तैयार हो चुकी है, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। अब मैंने इसको कपड़े के अंदर इसलिए रख दिया था ताकि रोटी सॉफ्ट रहे। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।